जहां गालीकांड में पहले बीएसपी फुल फॉर्म में थी, सड़क पर उतरी थी, तो अब बारी है बीजेपी की। जी हां, गालीकांड पर यूपी में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी महिला मोर्चा के पैदल मार्च को फिलहाल बीच रास्ते में रोक दिया गया। प्रशासन ने महिला मोर्चा को बीच रास्ते में रोका है। महिला कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में जोरदार झड़प भी हुई है, तो पुलिस ने यहाँ पर इस मार्च को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। परिवर्तन चौक से हजरतगंज गांधी प्रतिमा तक इस मार्च को जाना था। इनका यहाँ पर यही कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दयाशंकर सिंह को पार्टी से निकाल दिया, ठीक उसी तरह की कार्रवाई बीएसपी क्यों नहीं कर रही है। बीएसपी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ बीजेपी का मार्च है। गालीकांड को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मांग लगातार उठ रही है, और साथ में ये भी कहना है कि पार्टी अपने स्तर पर कार्रवाई करे, प्रशासन अपने स्तर पर। तो ये गुस्सा, जो ये सियासी गुस्सा सारा सड़क पर नजर आ रहा है। तो इससे पहले बारी बीएसपी की थी, और उसी दौरान एक ऐसी गलती कर गई बीएसपी कि उसका यहाँ पर फायदा बीजेपी ने ले लिया। तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन है पहली तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर में पुलिस द्वारा उन्हें रोका जा रहा है और झड़प भी हुई है। और पुलिस से झड़प के दौरान यहां पर कुछ महिला जख्मी भी जरूर हुई है, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी को कोई चोट ना लगे, लेकिन मार्च रुक जाए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण प्रदर्शन को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार बसपा को किस हद तक मदद करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी का यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, इसके रोकने के परिणाम बड़े नुकसानदायक होंगे समाजवादी पार्टी के लिए भी, बसपा के लिए भी। हम नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बर्खास्तगी के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि दयाशंकर सिंह की पूरी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन हम वही कार्रवाई मायावती भेंदी से चाहते हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी में वही कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से आज महिलाओं में आक्रोश है। महिलाएं आपके सामने है, उनका आक्रोश जो है जारी है, और ये आक्रोश जारी रहेगा जब तक नसीमुद्दीन की बर्खास्तगी नहीं होगी। मैं तो बेटी के सम्मान में हम लोग यहाँ पर आकर के आज महिला मोर्चा के सब लोग नसीमुद्दीन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, एकता का प्रतीक दे रहे हैं। बेटी चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, बेटी बेटी है, चाहे वो किसी की बेटी हो। उनकी बहन जी को कहा गया तो उन्हें बहुत बुरा लगा, देवी का अवतार बता रहे हैं, तो क्या हमारी बेटियां कहीं पर आई, कहीं से घूर करके आई है? नहीं, हमको किसी भी कीमत पे अपनी बेटी बहू का, महिला का सम्मान, महिला के द्वारा महिला का अपमान किया गया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। नसीमुद्दीन को बर्खास्त करो, बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करें। अक्सर राजनीति में होता ऐसा है कि जो प्रतिद्वंदी दल होते हैं, प्रतिद्वंदी जो राजनेता होते हैं, वही आपकी मदद कर देते हैं, और इस केस को अगर आप शुरुआत से देखें तो ऐसा ही हुआ। पहले बीएसपी को यहां पर मौका दिया दयाशंकर सिंह ने, जिन्होंने इस तरह के शब्द कहे कि बीएसपी ने बजाय इसकी की निंदा करके उसका पूरा पूरा पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, और उसके बाद जो प्रदर्शन बीएसपी का, उस दौरान इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ कि बीजेपी को लगा कि चलिए जो वो लड़ाई हार रही थी उसमें मुकाबले में आ गई है, तो उसका पॉलिटिकल माइलेज फिर बीजेपी ने लेना शुरू कर दिया है, और यही सब कुछ चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां बीजेपी महिला मोर्चा का पैदल मार्च है जिसे रोक दिया गया है, और इस दौरान कितनी ज्यादा यहां पर भीड़ है और पुलिस बल को कितना ज्यादा यहां पर मेहनत करनी पड़ रही है, तस्वीरों में साफ है। तो पहले से ही जानकारी थी कि आज ये मोर्चा निकलेगा, तो इसलिए पुलिस बल जो है पूरी तरह से तैयार थे। महिलाओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। तो मांग यही है कि जो कार्रवाई बीजेपी ने तुरंत की, वही कार्रवाई मायावती क्यों नहीं कर रही है, जबकि महिलाओं की सम्मान की बात काफी बढ़ चढ़कर कर रही थी, और प्रशासन भी यहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ्तार करे, हालांकि खुद दयाशंकर अभी गिरफ्त में नहीं आए हैं। तो मांग यहां पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर की जा रही है। और बीजेपी महिला मोर्चा का दल राजभवन पहुंचा है, राज्यपाल से इस वक्त मुलाकात चल रही है, और बीएसपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है उससे राज्यपाल को अवगत कराया जा रहा है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी की मांग यहां पर है। तो आपको बता दें कि बीजेपी महिला
मोर्चा का एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो इस वक्त राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात कर रहा है और उनकी मांग यही है कि जो महिलाओं की अस्मिता की बात लगातार होती है तो आखिर क्यों इतने वक्त बाद भी नसीमुद्दीन के लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही पार्टी के स्तर पर ना ही प्रशासन के स्तर पर। तो इन मांगों को लेकर आज राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचा है बीजेपी महिला मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल। और अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, जैसा हमने कहा कि हमारे जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो मौका हमें देते हैं, पहले बीएसपी को मौका दिया दयाशंकर सिंह ने और अब बीजेपी को मौका दिया है यहाँ पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने, तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है इसका सियासी रंग? बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश की सियासत है वो लगातार गर्माती नजर आ रही है। आपको बता दूं कि बीएसपी में लगातार जो नेता है वो पार्टी छोड़कर जा रहे, तो उसकी वजह से बीएसपी बहुत बैकफुट पे आ गई थी, वेंटिलेटर पर चली गई थी और जो दयाशंकर का बयान था उन्होंने उसको ऑक्सीजन देने का काम किया। दयाशंकर के बयान के बाद बहुजन समाज पार्टी में ऑक्सीजन मिली और उनके मास्क जो लगाया था दयाशंकर के बयान ने उसको उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने शाम तक उतार दिया। तो उसके बाद जो जिस तरीके की टिप्पणी दयाशंकर के परिवार के खिलाफ टिप्पणी की उससे कार्यकर्ताओं ने उतार लिया। अब आज उसी को मोर्चा बनाकर बहुजन जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो लगातार बसपा पर हमला कर रहे हैं। पहले आपने देखा कि पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया गया, आज बीजेपी की महिला मोर्चा की तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। हालांकि जो प्रदर्शन था सुभाष चौक से गांधी प्रतिमा तक जाना था जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर है, उसको 100 मीटर के दायरे में ही रोक दिया गया। हजारों की तादाद में पूरे प्रदेश में बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता इकट्ठा हुई थी और उनको यहाँ पर रोक दिया गया बलपूर्वक। यहाँ प्रशासन ने अपनी तैयारी मुस्तैदी से कर रखी थी, वाटर कैनन्स लगाए गए थे, बैरिकेडिंग की गई थी। हालांकि बीजेपी महिला मोर्चा ने पूरा दमखम लगाया कि बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ा जाए, लेकिन ऐसा पुलिस बल ने करने नहीं दिया गया। तो जो अभी है 1 बजे जिस तरीके की बात कही गई थी कि 1 बजे तक यह प्रदर्शन होगा, 1 बजे के पहले प्रदर्शन को खत्म करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा का जो दल है वो राज्यपाल से मिलने पहुंचा है। 22 महिला लगभग जो दल गया है, डेलीगेशन गया है, वो राज्यपाल से मिलकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग कर रही है। बिल्कुल, तो ये जानना चाहेंगे आपसे अभिषेक, आपने कहा कि यहाँ पर मिलने के लिए गया, तो चले देखते हैं, क्योंकि सीधे सीधे मांग यही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी और बीएसपी खुद उन्हें अपनी पार्टी से निकाले। शुक्रिया आपका जानकारी के। तो आपको बता दें कि फिलहाल ये मोर्चा जो था, आज का जो प्रदर्शन जो कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है और 22 सदस्यीय एक दल पहुंचा है राज्यपाल से मिलने के लिए, जो कुछ उनकी मांग है उससे अवगत कराने के लिए। और इस पूरे प्रकरण पर केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज ने बीएसपी अध्यक्ष पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दलितों का बीएसपी से मोह भंग हो गया है और अब वो धीरे धीरे कर बीजेपी से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री श्रीमती कृष्णा राज जी, आइए उनसे बातचीत करते हैं। कृष्णा राज जी, जिस तरह से मायावती आप लोगों पे अटैक कर रही है दलितों के मुद्दे को उठाकर, चाहे गुजरात का मसला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मसला हो, चाहे उनको आपकी पार्टी के पूर्व नेता ने जिस तरह से गाली की भाषा इस्तेमाल की थी वो मसला है, कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक पर उत्तर प्रदेश पर उनकी नजर है जो आपके पाले में थोड़ा बहुत खिसका था लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बहन मायावती जी दलित से दौलत तक पहुंची, ये दलितों की मेहरबानी थी। लेकिन आखिर कब तक किसी को जो है इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? और पिछले लोकसभा चुनाव 2014 से पूरा देश ने जिस तरह से अपना राष्ट्रीय एकता दिखाई है, जहां पर ना समरसता के भाव दिखे, जाति का कोई महत्व नहीं था, उसी तरह से ये निश्चित बात है कि 17 का जो मिशन है हम लोगों का वो पूरी तरह से भाजपा की तरफ, उत्तर प्रदेश की जनता की, जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि उत्तर प्रदेश की जनता ही और जनता में समरसता है, ना कि कोई जाति है, तो वो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अजय के साथ संतोष पाठक, समाचार प्लस के लिए। और सियासत के खेल के बाद बात करते हैं असल खेलों की। डोपिंग मामले में खेल मंत्री का बयान आया है, नाडा की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है और नाडा समिति में पहलवान नरसिंह यादव पर आज भी सुनवाई होगी। शाम 4 बजे इसमें सुनवाई शुरू होगी और नाडा समिति की जो 5 सदस्यीय टीम है वो सुनवाई कर रही है। दूसरे डोप टेस्ट में भी नरसिंह यादव फेल हो चुके हैं, तो उम्मीदें हालांकि बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम कुश्ती संघ की बात करें तो वो उम्मीद लगाए बैठा है और अपना कोटा बचाने के लिए प्रवीण राणा का नाम फिलहाल उसने आगे किया है। के डोप
रोधी अनुशासित पैनल एंटी डोपिंग पैनल ने इस मामले में 23 और 27 जुलाई को सुनवाई की। 23 जुलाई की सुनवाई के अनुसार इस एंटी डोपिंग पैनल ने नाडा को खिलाड़ी द्वारा प्रस्तुत जो खाद्य संपूरक यानी कि फूड सप्लीमेंट को लेबोरेटरी में जांच करने का निर्देश दिया। लेबोरेटरी ने सूचित किया कि उस खिलाड़ी ने जो फूड सप्लीमेंट लिए थे उसमें कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ नहीं पाया गया। अब अगली सुनवाई आज 28 जुलाई को है, तो पैनल के रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, निष्कर्षों की प्रतीक्षा है, उसके बाद एकदम स्थिति क्लियर हो जाएगी। वो पहले ही प्रोविजनली सस्पेंड है। तो खेल मंत्री का यही कहना है कि फिलहाल सुनवाई का इंतजार है और खेल मंत्रालय भी उसी का इंतजार कर रहा है, और उसके बाद जो भी थोड़ी सी जो असमंजस की स्थिति बनी है पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। विप्लव अवस्थी हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विप्लव, क्या कुछ कानूनी कार्रवाई आज होने वाली, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है और जो कुछ कार्रवाई होगी उस पर काफी कुछ अब निर्भर करता है। देखिए प्रीति, कल की अगर बात किया जाए तो रेसलिंग फेडरेशन जो है उसने बाकायदा यहाँ पर अपना पक्ष रखा था। नरसिंह यादव ने अपना यहाँ पर आए थे, अपना पक्ष रखा था। करीब 4 घंटे की एक लंबी सुनवाई यहाँ पर चली थी। 650 पेज का डॉक्यूमेंट और तमाम सीडी भी पेश किए गए थे, जो नरसिंह यादव दावा कर रहे हैं कि मेरे खाने में किसी दूसरे व्यक्ति ने मिलाया है। लेकिन मुद्दा यह है कि नाडा करने क्या जा रहा है और नाडा करेगा क्या, क्या नाडा के पास इतनी शक्तियां हैं कि नाडा दोबारा से टेस्ट कराए, क्योंकि जिस तरह का इंटॉक्सिकेशन उसके शरीर में पाया गया है वो डॉक्टर्स के मुताबिक 8 से लेकर 12 हफ्ते तक बना रहता है। तो क्या उसके शरीर में अभी तक वो इंटॉक्सिकेशन बना हुआ है, इससे नरसिंह यादव कैसे अपने आप को फ्री होंगे। 5 अगस्त की एक डेडलाइन है, उससे पहले ही प्रवीण राणा की तैयारी हो चुकी है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज नाडा को शायद जवाब देना है, और नाडा आज शाम तक उम्मीद यही की जा रही है कि 4 बजे ये सुनवाई शुरू होगी और नाडा इस पर कोई ना कोई अपना फैसला लेगा। लेकिन फैसला किस तरह का लेगा, क्या दोबारा से ये डोपिंग टेस्ट के लिए एक बार नरसिंह यादव को भेजा जाएगा, या जो प्राइम ऑफ एसआई एलिगेशन है नरसिंह यादव की तरफ से वो नाडा एक्सेप्ट करेगी। लेकिन नाडा एक्सेप्ट कैसे करेगी एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि नाडा कोई पुलिस एजेंसी तो है नहीं कि एफआईआर करके इसकी जांच शुरू कर देगी। तो तमाम बातें हैं जो आज शाम तक प्रीति साफ हो सकती हैं। बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखे विप्लव, फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि सुनवाई है आज शाम, तो देखना होगा कि किस तरह का यहाँ पर फैसला आता है और फिर आगे क्या कुछ रुख इस पर रहता है। आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक विजय बहादुर यादव का एक और कारनामा सामने आ गया है। माननीय के विद्यालय गंगा जमुना डिग्री कॉलेज के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है और विधायक साहब ने सारे पैसे डकार लिए हैं। जी हाँ, यही आरोप लगा रहे हैं छात्र। कॉलेज के 800 छात्राओं का आरोप है। जिलाधिकारी कार्यालय पर अभी लोग हक की हुंकार भर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें साल 2015-16 की छात्रवृत्ति नहीं मिली है, क्योंकि पूरा पैसा विधायक साहब गबन कर गए हैं। छात्र विधायक से गुहार लगाते लगाते थक गए हैं। आपको बता दें कि वही विद्यालय है जहां मुख्यमंत्री द्वारा छात्रों को दिए जा रहे लैपटॉप के लिए 5,000 वसूले गए थे। जब मामला सुर्खियों में आया तो प्रिंसिपल ने सारा पैसा लौटा दिया। यानी कि साफ है कि बजाय विधायक विजय बहादुर यादव यहां अपने कारनामों से बजाय इसके कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, दरअसल मकसद यह है इसका कि वो अपनी जेब भरते रहें और उनकी छात्रवृत्ति का पैसा भी फिलहाल वो हड़प कर गए। जब हम लोग को पता चला तो 10 मई को हम लोगों ने इसका विरोध किया, तो उन्होंने कहा था कि हम मतलब हमारी गलती की वजह से हो गया है, इसलिए हम पैसा फ्री में एडमिशन करेंगे। लेकिन उन लोगों का मतलब दिए प्रूफ भी दिए थे, इसके बावजूद भी उन पैसा ले रहे। जब एडमिशन करने की बारी आई तो लोग पैसा मांग रहे हैं। ये ऑनलाइन भरा जाता है इसमें, और ये सारे छात्रों को स्वयं इसमें ऑनलाइन स्कॉलरशिप में करना होता है, और ये ऑनलाइन करने के बाद विद्यालय फॉरवर्ड करता है, फिर उसकी स्टेट एनआईसी से जांच होती है, उसके बाद आता है। ये विद्यालय फॉर्म भरा है, छात्र भरा है, और वो फॉरवर्डिंग होती है, फिर हम लोग को ये पता लगता है। इन लोगों ने भी नहीं बताया कि ऐसी सिचुएशन थी।
और चलिए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। लखनऊ से खबर है जहां एडवोकेट अतर सिंह राव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीएसपी के पश्चिम क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं अतर सिंह राव, उनको चार जिलों की जिम्मेदारी मिली है। अतर सिंह राव को इससे पहले एमएलसी भी बनाया गया था। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अतर सिंह को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पश्चिम यूपी के बेहद प्रभावी नेता माने जाते हैं, तो ऐसे में चार जिलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर यही है, अतर सिंह राव को यहां पर चार जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई, कोऑर्डिनेटर बनाया गया उन्हें बीएसपी की ओर। तो विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, तो तैयारी पहले से करनी होगी। जिम्मेदारी किसको किस तरह की सौंपी जानी, वो जिम्मेदारी तय करनी होगी। तो इसी क्रम में अतर सिंह राव को पश्चिम यूपी के चार जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि वहां पार्टी के कामकाज को देखें। और अपने आप में बेहद प्रभावी माने जाते हैं अतर सिंह राव। सहारनपुर के थाना चिलकाना क्षेत्र के ग्राम बरहथा के पास बहने वाली यमुना में अचानक पानी बढ़ गया, जिससे इसके एक छोर पर खनन हो रहा था, तो लोग वहां फंस गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सरसावा एयरफोर्स को मामले की जानकारी दी, और इसके बाद वायुसेना का हेलीकॉप्टर यहां पहुंचा और 12 लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया। आपको बता दें कि यहां सुप्रीम कोर्ट की मनाही के बावजूद अवैध तरीके से खनन हो रहा था, और हथिनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया 1.5 लाख क्यूसेक, वो अचानक यहाँ आ गया, जिससे पानी का स्तर बढ़ गया और ये लोग पानी में फंस गए। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ये लोग पानी के बहाव में बह गए, जबकि 7-8 लोग 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर कोटड़ा घाट के टापू पर चढ़ गए, और टापू में फंसे इन लोगों ने ही मोबाइल से अपने अपने परिजनों को यहां फंसे होने की सूचना दी। परिजनों की खबर पर थानों की पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट में, एयरफोर्स को जानकारी दी गई, और उसके बाद एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुंचा और इन सभी 12 लोगों को सुरक्षित पानी से निकाल लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हालांकि जो यहाँ पर काम हो रहा था वो अवैध हो रहा था, अवैध तरीके से यहाँ पर खनन किया जा रहा था, जबकि मनाही है यहाँ सीधे सीधे। इस दौरान जब खनन हो रहा था, तो हथिनी कुंड बैराज से अचानक पानी छोड़ा गया, जिससे जलस्तर बढ़ गया, और जो खनन में लगे हुए लोग थे वो स्थिति को समझ नहीं पाए। कुछ लोगों ने जैसे तैसे टापू में चढ़कर अपनी जान बचाई, फिर वहां से परिजनों को फोन किया। परिजनों की जानकारी के बाद थाने में पुलिस ने एयरफोर्स को मदद के लिए यहाँ पर जानकारी दी, तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंचा, उसके बाद सभी 12 लोगों को सकुशल पानी से निकाल लिया गया। तो मझधार में फंसी जिंदगियों को बचाया एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने। तो ये चार तस्वीरें देखिए कि यमुना पार में किस तरह से लोग फंस गए थे, और एक बच्चा जो यहाँ पानी के तेज बहाव में अपने आप को संभाल नहीं पाया। मौके पर प्रशासन पहुंचा, और उसके बाद यहाँ पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा, जिसकी मदद से लोगों को सकुशल निकाला गया। जमुना में तो ऐसे अपना खेत काती तरफ गए थे, इधर कोई ले गए जी, तो इधर अपना जो पता लगा पानी आया जी, तो लोग बचाने के लिए भी गए, कुछ वहाँ बीच में फंसे उधर। लगभग 8-9 लोग हैं जो हेलीकॉप्टर से बैठा के निकाल लिया गया है, उनको सुरक्षित रूप से, क्योंकि हरियाणा के लोग हैं ये। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पानी का तेज बहाव इतने अचानक से आया कि लोग कुछ समझ नहीं पाए और संभल नहीं पाए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट की बारिश ने ही कलाई खोल दी है। 197 करोड़ के ताज प्रोजेक्ट के तहत रास्ते पर लगे पत्थर कई जगह धंस गए हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट का 30 सितंबर को मुख्यमंत्री को लोकार्पण करना है। प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन 30 अगस्त से तय कर दी गई है, लेकिन अभी 15% काम बाकी है, और जो काम हुआ भी है उसके भी हाल बेहद खराब है। तो बदहाली की तस्वीर देखने मंडलायुक्त चंद्रकांत भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने पैदल मुआयना करने के बजाय गोल्फ कार्ट की सवारी का निरीक्षण करते हुए सारी औपचारिकता महज पूरी की। मंडलायुक्त भी गुणवत्ता में कमी के सच को स्वीकार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कार्यदायी संस्था को सुधार के निर्देश दे दिए गए। ये गड्ढा है, ये पीछे आप देख रहे हो, जो इसमें सुबह से लेकर कम से कम 4-5 फुट गिर चुके हैं इसके अंदर, पानी के जल भराव वजह से, और ये गड्ढा भी बंद नहीं किया, इस गड्ढे में गया 4-5 सुबह से टूरिस्ट गिर चुके हैं इसके अंदर। बेचारे एक तो फॉरनर था बेचारा, उसके तो पैर में चोट भी आई है। कार्यदायी संस्था को मैंने कहा है कि यहाँ पे कमी रही है, उसको ठीक तत्काल कराया जाए, रेगुलर इसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हो रहा है। तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल हो रहा है, जो निर्माण है उसकी तारीख है 30 अगस्त जब ये पूरा होना है प्रोजेक्ट, लेकिन 15% काम बचा है, और जो काम हुआ भी उसकी गुणवत्ता भी बेहद खराब है।
और संभल में चार मीट फैक्ट्रियों पर छापा पड़ने से हड़कंप मच गया। दरअसल बगैर कानूनी मंजूरी के अचानक शुरू हुए फ्रोजन फैक्ट्री में प्रतिबंधित पशुओं का मांस होने की सूचना पर एक बार फिर लखनऊ तक इसकी जानकारी पहुंची, जिसके बाद शासन स्तर के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की टीम ने बीएसपी के आजम कुरैशी और अकील उर रहमान खां की फैक्ट्री पर छापा मारा। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि टीम ने फैक्ट्री से कोई सैंपल तक नहीं लिए, जबकि इन्हें सैंपलिंग के ही निर्देश थे। और हैरानी की बात एक और ये भी रही कि एसडीएम जेबी सिंह कह रहे हैं कि चेकिंग के दौरान तीन फैक्ट्रियां चलती हुई मिली हैं और एक बंद थी, तो वही टीम में शामिल पशु चिकित्सक अधिकारी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी सैंपलिंग की जाती। टीम में शामिल दो अधिकारियों के अलग अलग बयान साबित कर रहे हैं कि छापेमारी की कार्रवाई खुद अपने आप में कई सवालों में घिर गई है और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि महज एक दिखावा भर खानापूर्ति भर थी ये छापेमारी। पर्यावरण का ध्यान पशु कटान पर पशु को लेकर इन बातों पर हमको पर्यावरण में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वहाँ पालन हो रहा है कि नहीं, वो मौके पर पानी उनको डिस्पोजल देखने गए, जो मौके पर सही पाया गया उन्होंने आधुनिक संयम द्वारा करके पानी को फिल्टर कर दिया, जो सिंचाई के साथ सिंचाई में उस पानी को यूज कर रहा है। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के घुकना में नवी क्लास की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे जांच शुरू कर दी है। जो आत्महत्या के पीछे की वजह सामने आई है वो और भी ज्यादा यहां पर अफसोसजनक है। परिजनों की माने तो ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। दरअसल छात्रा डीएस पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी और परिवार के आर्थिक हालात बहुत खराब थे, जिसकी वजह से तीन महीने से स्कूल की फीस जमा नहीं हो पाई थी। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल कुछ टीचर्स के साथ घर आए और उसके पिता से बदतमीजी करने लगे और थाने में झूठी छेड़खानी का मामला दर्ज करा दिया, शिकायत दर्ज करा दी और लगातार उन्हें परेशान किया जाने लगा। इसे दुखी होकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के बाद गुस्साए पड़ोसियों ने स्कूल के प्रिंसिपल की जमकर पिटाई की। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने घर पे आके बच्चों से बदतमीजी की, थोड़ा बोले कि फीस जमा कराओ नहीं तो मैं ये कर देंगे वो कर देंगे प्लान। बच्चों ने मुझे फोन किया तो मैं भी आ गया, मैंने मैडम एक काम करो आप घर पे आ जाओ, मैं घर ही पे हूँ, आपको जो बात करना है मैं घर पे कर लेता हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं, हम दो तीन महीने में आपको पैसे दे देंगे। मैडम घर पे आई तो तीन चार पांच मैडम और आई, प्रिंसिपल भी आए, वो आती गन बस ना कुछ बोली ना कुछ बताया, तो बच्चे थे हम लोग थे घर पे, उन्होंने तुरंत उठा के मुझे झापड़ मार दी, बोले तेरा सामान लेके जाएंगे। फिर कहने लगी मैं भी पुलिस को फ़ोन करती हूँ 100 नंबर पे कि तूने मेरा हाथ पकड़ रखा, तुझे तूने मुझे बिस्तर पर लेटाया। तो बच्ची हमारी बोली मैडम आप क्यों गलत बोल रही हो। इसके बाद 100 नंबर की पिकअप पहुँची, मुझको लेके चौकी चली आई। इसके बाद फिर बच्ची ने जो कुछ किया था बच्ची के ऊपर, इनके आपस में विवाद होने के चलते पुलिस ने समझा बुझा कर इनको दोनों पक्षों को अलग कर दिया था, मगर जो इन्होंने वहाँ पहुँच कर जो हंगामा खड़ा किया, जिस तरीके से बेइज्जत किया लड़की के पिता को, जिस तरीके से उससे मारपीट की, मोहल्ले में उनकी जो इज्जत थी वो उनको लगा कि ये इसमें उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। कुल मिलाकर ये लड़की को बहुत ज़्यादा फील हो गया, लड़की को ये अपने पिताजी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने आप को फांसी लगा।